वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स फॉर बेटर वॉच फोटोग्राफी, यानी कि आज हम उन 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप वॉच की फोटोग्राफी कर रहे हैं यानी कि घड़ी को शूट कर रहे हैं तो आपको इन सब टिप्स का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे आप बहुत ही बेहतरीन शॉट ले पाएंगे किसी भी वॉच के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सभी बिगनर फोटोग्राफर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज की जो मेरी पहली टिप है वो ये रहेगी, ऑलवेज यूज ट्राईपॉड। जब भी आप वॉच को शूट कर रहे हैं तो आपको हमेशा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ है, ट्राईपॉड आपको यूज़ करना है। और ट्राईपॉड इसलिए भी यूज़ करना है दोस्तों कि कैमरा शेक जो है वो कई बार आपको पता नहीं चलता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हैंडल शूट कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा क्लोज जाता हूँ अपनी वॉच के पास, तो ज़रा सा भी मूवमेंट जो है वो हमारी वॉच की जो शार्पनेस है उसको अफेक्ट कर देता है, यानी कि शार्पनेस जो है हमें 100% नहीं मिल पाती। तो जब भी आप इस तरह की वॉच को शूट करें तो ध्यान रखें कि आपको हमेशा ट्राईपॉड यूज़ करना है। हालांकि ट्राईपॉड से शटर स्पीड इसमें ज़्यादा फर्क नहीं डालती है, लेकिन अगर आप ट्राईपॉड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शार्पनेस जो है वो 10 टाइम्स बेटर आएगी अगर आप हैंडल शूट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ट्राईपॉड यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टिप की तरफ। हमेशा दोस्तों जब आप अपना कैमरा सेट करें तो यहाँ पर आप सेट करें लो ISO। अब लो ISO से क्या मतलब है, आजकल काफ़ी एडवांस कैमरा आ गए हैं, लोग बाग हाई ISO पे भी शूट करते हैं, अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हैं और आपने अपना कैमरा लो ISO पे, लो ISO मतलब 100, या अगर आपके कैमरा में 100 के नीचे भी आप जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ISO 50 पे शूट कर रहे हैं, तो भी जो पिक्चर्स हैं आपको बहुत ही टैक शार्प मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल के आएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप लो ISO पे शूट करें। अभी वो सारी हम कैमरा सेटिंग करेंगे और आपको मैं रियल में शूट करके दिखाऊंगा ताकि आप देख पाएंगे कि कितना अच्छा इमेज जो है हमने कैप्चर किया है। अब जो हमारी तीसरी ट्रिप रहेगी दोस्तों वो ये रहेगी, जब भी आप अपना प्रोडक्ट शूट करें यानी कि वॉच, तो वॉच को आपको अच्छे से क्लीन करना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरह से जो है हमने वॉच को क्लीन किया है, और ताकि उस पर कोई भी स्टेन्स या कोई भी दाग धब्बे ना रह जाएं या फिंगरप्रिंट्स, वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपनी वॉच को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज की फोर्थ टिप की। फोर्थ टिप मेरी दोस्तों ये रहेगी आज की कि आप ये देख पा रहे हैं जब भी आप कोई भी लाइटिंग सेटअप यूज़ करें तो इस तरह के शॉट्स के लिए आपको यूज़ करना है डिफ्यूज लाइटिंग सेटअप। यानी कि ये देखिए मैं करता हूँ यहाँ से लाइट ऑन और यहाँ पर अभी लाइट ऑन हो गई है दोस्तों। तो अब जो लाइट है आपको यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए वॉच इधर है हमारी और नीचे हमने रखा है ब्लैक कलर का क्लॉथ एक, ताकि उस पर ब्लैक और ब्लैक जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने लाइट को डिफ्यूज करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लाइट इस तरह से हिट होके लाइट टेंट से डिफ्यूज होके जो है वॉच पे जा रही है, तो बहुत ही मिनिमम लाइट जो है यहाँ करेगी हिट। और आप ऊपर देख पा रहे हैं मैंने एक ब्लैक कलर का यहाँ पे एक शीट रखी है, और अगर इस शीट को मैं हटा दूंगा तो बहुत सारी लाइट जो है यहाँ पर फॉल होगी और पिक्चर निकलेगी ओवर एक्सपोज। तो अभी फोर्थ ट्रिप पे हम थोड़ा सा रुकते हैं और एक पिक्चर लेके देखते हैं ताकि आप समझ पाएं कि पिक्चर किस तरह की आ रही है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए इस तरह का ये हटा देता हूँ यहाँ से शीट। सो अब लेते हैं एक पिक्चर और देखेंगे कि, और आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टेजर शूटिंग, और टेजर शूटिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप अपनी वॉच फोटोग्राफी करें, यानी कि जो भी पिक्चर जब आप शूट करेंगे डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, यहाँ हम अपनी लाइट वाइट सब चेक कर पाएंगे। तो चलिए एक पिक्चर लेके देखते हैं और देखते हैं कि डिफ्यूज लाइट जो है किस तरह से हमारे सब्जेक्ट पे आ रही है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी इमेज क्वालिटी पे। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों फोकस जो है लॉक कर लिया है, कैमरा सेटिंग्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लेता हूँ मैं पहला शॉट। सो आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर पहला शॉट हमें मिला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो लाइट है, पिक्चर अच्छा मिला है बट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लाइट जो है बहुत सारी लाइट अनवांटेड लाइट जो है वो डायल पे आ गई है, और पिक्चर अच्छे लग रही है लेकिन प्रोफेशनल टच के साथ जो है इमेज हमारी नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम करेंगे अपनी लाइट को थोड़ा सा करेक्ट। तो अब मेरी चौथी टिप जो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया वो यही रहेगी कि
लाइट जो है वो आपको डिफ्यूज लाइट ही यूज करनी है इस तरह के शॉट के लिए, बट थोड़ा सा हमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ब्लैक शीट को जो है दोबारा यहाँ लगा देता हूँ दोस्तों इस तरह से। अब ये मैंने क्यों लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ से जब लाइट हिट करेगी तो काफ़ी लाइट जो है ब्लैक शीट ही ऑब्जर्व कर रही है, और यहाँ से थोड़ी सी लाइट रैप अप होके जो है वो फॉल होगी हमारी वॉच पे, और बहुत कम लाइट जो है वो आ रही है हमारी वॉच के ऊपर। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जो है मैं लेता हूँ फाइनल शॉट और देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसी मिलती है। लेकिन शॉट लेने से पहले मैं आपको मेरी फिफ्थ टिप के बारे में, यानी कि आखिरी टिप के बारे में भी कहना चाहूँगा। आखिरी टिप है मेरी फ्रेंड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर फिलहाल अभी हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह का एक ब्लैक डायल वाली वॉच और ब्लैक क्लोथ के साथ में, लेकिन जब भी आप वॉच को शूट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अलग अलग कलर की वॉच होती है, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में आपको शूट करना पड़ता है, अलग अलग लाइट्स के ऊपर आपको शूट करना पड़ता है। तो जब भी आप वॉच शूट करते हैं तो जनरली लाइट को फाइन ट्यून करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लग जाता है। अभी तो फिलहाल आप तो ये 5 मिनट के अंदर पूरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब मैंने इस सेटअप को पूरा लगाया और मैंने कुछ टेस्ट शॉट्स लेके देखे तो ऑलमोस्ट मुझे जो है 1.5-2 घंटे लगे वो सब करने के लिए, तब जाके मुझे एक शॉट अच्छा मिला। तो मान के चलिए कि जब भी आप वॉच शूट करेंगे तो आपको लाइट को फाइन ट्यून करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्यों टाइम लगेगा लाइट को फाइन ट्यून करने में, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अक्सर जो ग्लास होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव, यानी कि जब आप लाइट सीधी इस पे फॉल होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आ जाता है। उस रिफ्लेक्शन को कट करने के लिए मुझे लाइट को फाइन ट्यून करना पड़ता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक अपना जो है आप देख पा रहे पेपर यूज़ किया है, यहाँ पे ब्लैक क्लॉथ यूज़ किया है। और कई बार जो है हमें इस तरह के आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह के जो छोटे बोर्ड्स हैं ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या लाइट को ब्लॉक करने के लिए। फिलहाल इसे हम अभी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, और मैं लेता हूँ अब एक शॉट और देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसा मिलता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेदर शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको नहीं पता टेदर शूटिंग कैसे होती है तो आप जो है दोस्तों मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर मैंने बनाया टेदर शूटिंग का, ऊपर लगा दिया वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो मैं लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एक शॉट। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी लाइट जो है हमारी ब्लॉक हुई है, और हमने जो लाइट को डिफ्यूज़ भी किया साथ में हमने लाइट को थोड़ा सा ब्लॉक किया, और लाइट हमें सिर्फ उतनी मिली जितनी कि हमें अपनी वॉच के ऊपर चाहिए थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 5 टिप, और उम्मीद है आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आप वॉच फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप अपने अलग अलग ब्रांड्स की वॉच या अपने दोस्तों की वॉच, अपनी खुद की वॉच पे आप इस तरह के शॉट्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लाइटिंग सेटअप बहुत ही बेसिक रखा है हमने, लाइट टेंट यूज़ किया है, एक ब्लैक शीट यूज़ की है, एक ब्लैक क्लॉथ यूज़ किया है, एक वॉच यूज़ की है, और सिंपल हमने एक बूम स्टैंड के ऊपर जो है हमने एक ही लाइट सोर्स यूज़ किया है। तो बस ये इस तरह के शॉट्स आप बहुत आसानी से ले पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पिक्चर हमें काफ़ी अच्छा मिला है, टेक शार्प इमेज आई है, हमारी कलर्स परफेक्ट हमको मिले हैं, ट्राइपॉड यूज़ करने की वजह से जो है हमें हमारा कैमरा बिल्कुल भी शेक नहीं हुआ, तो शार्पनेस बहुत अच्छे से निकल के आई है। लो ISO रखा है मैंने यहाँ पर, बिल्कुल 50 ISO पे शूट किया है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं इस वक्त, और पिक्चर हमें मिला है बेहतरीन। तो दोस्तों आज एक छोटा सा मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिससे आप भी जो है इस तरह की पिक्चर्स को अचीव कर पाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।